कार्तिक मासा धर्म कर सुवन तुलसी मदियन जलाए मुर सुवन तुलसी मदियन जलाए। कार्तिक मासा धर्म कर सुवन तुलसी मदियन जलाए मुर सुवन तुलसी मदियन जलाए। तरी हरी नहन री नाना मुर सुवना तरी हरी नहन री नाना ना। कार्तिक महीना ला धर्म के महीना कहे जाते। काबर यही महीना में जतका तीज तिहार है ना वो सब ला हमन हंसी खुशी राजी खुशी से मानथन। दे जैसे दे देवारिल मानेन गोवर्धन पूजा मानेन सूरहोत्तिल मानेन भाई दूजला मानेन गोवर्धन पूजा और करवा चौथ ऐसे करके जतका भी तीज तिहार है एक कार्तिक महीना में सुख घर ढंग ले मनाते। ता एक सेती कार्तिक मासा धर्म करे सुवना तुलसी मदियना जलाए ऐसे के एक गाना घलो बना है। ता अब आज हम जिन विषय में चर्चा करबोन जेकर बारे में जानबोन ते हा बहुत ही हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा ला दर्शात दिखावत एक ऐसे तिहार हरे जेला देवउठनी के नाम से जानथन हमन जेला जेठौनी कही घलो कही थन और जेठौनी के जैसे नाम लेबे तो लैका मन के चेहरा में इसलिए खुशी झलके लग जाते काबर की लैका मन बर तो गन्ना तिहार है। हमू मन है नान ना रहे रहन गन्ना तिहार आगे गन्ना तिहार आगे की के मार खुशी के ए डहान ओ डहान गली गली में दौड़त भागत रहे रहन। त जय जोहर मैं रानू निशा सबसे पहले तो आप सब उजल्ला नमस्कार करता हूँ और अब फिर मैं अपन माई भाखा में हमार रीति रिवाज तीज त्यौहार और परंपरा ले जुड़े आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी कंथली के साथ में ता देव उठनी ला देव उठनी काबर कही थे देव उठनी काय महत्व है और देव उठनी ला जेठौनी के रूप में हमार छत्तीसगढ़ में कौन ढंग ले मनाए जाते देव उठनी के अव काय काय महत्व है सब एक बारे में चर्चा करे को कोशिश करबो। देव उठनी सबसे पहले देखो एकर परिदृश्य कैसे रही थे। कार्तिक महीना में एला ग्यारस के दिन कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के ग्यारस के दिन में जेठौनी तिहार ला देव उठनी तिहार ला मना जाते और एमे अतका उत्साह रहे रहते अतका छत्तीसगढ़ के जन लोक जीवन है और लोक जीवन जीने वाले व्यक्ति मन के जैसे हमन अतका उत्साह रह रहते अतका उमंग छाए रह रहते के बिहनिया लेकर तैयारी चलत रह रहते। आजे के दिन सोहाई घलो बांधते सबसे पहली बाजार ले जाके सुंदर गन्ना लानते और गन्ना के मड़वा गड़िया देते गन्ना हा मड़वा काम करते और गन्ना रह रही और वही समय रिकम रिकम के भाजी घलो निकले रह रहते नवा नवा का चना भाजी छोटे छोटे नान नान बोईर रह रहते जो बनबोई रहे रहते सिंघाड़ा निकले रहे रहते खोखमा निकले रहते और कमल कमल कट्टा के बीज निकले रहे रहते ये सब चीज मतलब लाल भाजी कांदा ये सब मतलब एकत्रित करके सुंदर सब जन पूजन सामग्री एकत्रित करते इकट्ठा करते और सांझ के समय में एकर एकर दृश्य है सुबेरस लगे रहे रहते सब जन मना बाबा जात मन अलग काम करत रही मातारी मन अलग काम करत रहे रही ये मन पूजन सामग्री हो गए पूजन सामग्री इकट्ठा करे अब तीर आजे के दिन सुहाई बांधे घलो प्रावधान है वे त सप्ताह मन आज के दिन बांधते और जे मन कबीरा रहते ते मन पुन्नी के दिन सुहाई बंधवाते ऐसे बोले जाते ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग मन बताते कि जे दिन जेठौनी तिहार रह रहते ते दिन सप्ताह मन बांधते और जो कबर है रहते ते मन पुन्नी के दिन गाय मल्ला सुहाई बंधवाते। ता ए ढंग ले पूजा पाठ सांझकन करते और हाँ एक आज के दिन के एक ठनऊ नियम है झेंझरी टुकनी मन मल्ला झेंझरी टुकनी ला जे पुराना टूटा फूटा रह रहते तेला जलाते और जलाए के भी में चुटले आके घलो नियम है
ऐसे कहे जाते ऐसे छूट ले आँख दे से हमार नाना रह रहन त हमार माँ और घर के बड़े बुजुर्ग मन है ऐसे जलत रहा थे धरे और टुकले जला दे हमार रोन। लेकिन ओकर भावार तो पता नहीं रही, आज थोड़ा पता चल गए, आज पता पढ़े में पता चलते और बड़े बुजुर्ग मन बताते तब पता चलते कि वो एक ठन एक प्रकार के ठुआ हरे ओला करके हमला नाना प्रकार के बीमारी से हमार घर वाले मन है बचा देते। तो एक प्रकार से ठुआ हरे जलत झंझरी टुकनी मल्ला जलत रही थे में के लुठी निकाली छोटे से जो अंगार के छोटे कण रही थे ला वही में जलाते चूट लई से आँखें असन एकदम जोर से नहीं जलाए और एकर माध्यम से मल्ला स्वास्थ्य रखे के आशीर्वाद देते। तो ये दूसरा काम हो गए और हमारा राउत भैया मन सुंदर सुंदर काछन पारत दोहा पारत सबके घर में जाते सोही बांधे बर का नरियर फोड़ते का सोही बांधते ऐसे करत नाचत कूदत ये त्यौहार ला मनाते। अब आव देखन देव उठनी एकादशी ला देव उठनी काबर कथे सार तत ता कहे जाते कि कुंवार महीना के अंजोरी पाक ले कार्तिक महीना के अंजोरी पाक तक भगवान है संसार के सृजन भर मनन चिंतन करे खातिर योग निद्रा में रहे रहते आओ ये देव उठनी के दिन ही ओहा उठते भगवान है कुंवार महीना ले लेके कार्तिक महीना मतलब सरलगा एक महीना तक ले वह योग निद्रा में रहते और देव उठनी एकादशी के दिन उठते एकर से थी एला जे दिन भगवान उठते संचार ला फिर से संचालित करे बर सुचारू रूप से चलाए बर वही दिन ला देव उठनी के नाम से जाने जाते। अब आव एकर पीछे एक ठन और कारण है वैसे तो एला तुलसी विवाह के नाम से घलो जानथन है ना एला जेठौनी के नाम से लोक भाषा में जेठौनी के नाम से जानथन देव उठनी एकादशी के नाम से जानथन प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानथन और वही तारतम्यता मेल तुलसी विवाह के नाम से घलो जानथन। तो एकर नाम तुलसी विवाह के नाम से काबर जानथन एकरो पीछे कारण है और कहे जाते ना कि हम कही थे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते कि कोई भी तीज त्यौहार रीति रिवाज परंपरा कहीं ना कहीं धार्मिक आध्यात्मिक कारण से जुड़े हुए रह जाते। तो आओ देखन कि देव उठनी के पीछे हमार धर्म पुराण का कथे तो हमार धर्म पुराण में बात आते कि एक जन शंखासुर नाम के राक्षस रही शंखासुर नाम के बहुत क्रूर करारार राक्षस रिज दुष्टाचारी अत्याचारी पापाचारी और ये है राक्षस है जतका भी ब्रह्मा विष्णु महेश का जतका भी धर्म पुराण शास्त्र रिज सब ला चोरी करना चाहत रहते और चोरी करके भगवान मल्ला हराए बर मल्ला धर ए काबर की एमन पावरफुल कैसे एमन शक्ति सर्वशक्तिमान काबर बनी काबर यही वेद शास्त्र मंत्र वंत्र मल्ला पढ़ के मन देवता मन शक्तिशाली बने तेकर मंत्र वंत्र पुस्तक पुस्तक ला चोरा लूँ तहन और एला मैं धल लूँ ऐसे सोच के ये शंखासुर सब जितना भी वेद मंत्र सब पुस्तक है ते मला चुराए खातिर ओला धरे बर भागते। तब ओला देख के वेद पुराण शास्त्र मंत्र मन गलो डर्रा के घबरा के ढान उड़ान भागे लगते। अब वेद पुराण शास्त्र मन सज्जन व्यक्ति कर रहना चाहिए ना दुर्जन व्यक्ति कर तो ना रहना चाहिए त ये सब वेद पुराण शास्त्र में सब भागे लगते कहाँ जान कैसे कर ते मन चले जाते समुद्र में। अब समुद्र में जाके सब एडहान उडहान छर्री दर्री सब लुका जाते अब उकर पाछू पछलग्गा कौन आ जाते शंखासुर आ जाते कैसे भी करके मैं वेद पुराण शास्त्र में ला धरूँ इसी के लेकिन खोज नहीं पाए वह खोजते चे रह जाते रहते पर
सब ओला एकत्रित नहीं कर पाए, वेद पुराण शास्त्र रहते मला एकत्रित नहीं कर पाए। वही दरम्यान सब जत का देवता है ते मना, अब हम वेद पुराण मन के शास्त्र मन के रक्षा करना है भगवान, अब कैसे कर वो भगवान विष्णु तो योग निद्रा में जेकर फायदा ले राक्षस शंखासुर उठाए, अब कैसे किया जाए विष्णु योग निद्रा ले उठाया जाए, तो योग निद्रा उठाए बर कुंवर महीना ले पूजा करत 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 कार्तिक महीना के ये ग्यारस के दिन आते, कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के ग्यारस के दिन भगवान अपन योग निद्रा से जागते और जितना धर्म पुराण रहे रहते, जितना वेद पुराण शास्त्र रहते ते मल्ला बचाते और जितका देवता मन ही ते मल्ला सुख पहुँचाते। आज के दिन भगवान मतलब जे दिन देव जे दिन ग्यारस रथे कार्तिक महीना के ग्यारस के दिन भगवान ह अपन योग निद्रा ले उठिस और सब देवता मन ला सुख पहुँचिस, तेकर वजह से ला देव उठनी के नाम से जाने जाते। अब आवो सुंदर एक ठन औ कथा है जे हा हमला बताते कि तुलसी नाम तुलसी विवाह नाम कैसे पड़ीस। तो फिर हमार धर्म पुराण में बात आते एक बार के बात रहते, जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार मात गंगा लक्ष्मी और सरस्वती तीनों ला भगवान विष्णु के भार्या माने गए हैं। तो तीनों जन बैठे रहे रहते एक जगह, तब माता गंगा के मन में बात आते सरस्वती माता सरस्वती के मन में बात आते कि भगवान विष्णु हाँ शायद मतलब गंगा का माया मोला नहीं करे, ऐसे वाले भाव आ जाते। ता अब का किया जाए, ता ये सरस्वती हाँ गंगा से करू करू गोठियाल लग जाते, माता गंगा से सरस्वती माता करू करू गुठियाल लगते। अब जैसे कोनो हमर से नाराज हो जाते पता चलते ना कि हाँ ये हमर से नाराज हो गए, भले वो यथार्थता मत बोले लेकिन हमला पता चल जाते कि नहीं ये हमर से नाराज है, थोड़ा रूठे हुए है, तब इसने करवा करवा गुठियाल लगते। तब ओला देख के लक्ष्मी माता कहते ते कैसे करते सरस्वती, ते इसने टाइप के व्यवहार मत कर गंगा से। तब अत्कल देख के सरस्वती माता तम तमा जाते, कहते अच्छा बड़ा ते ही तैसी बनी है, बड़ा ते एकर सरोटा खींचने वाली बनी है, जा मैं तो श्राप दे तो ते वृक्ष और नदी बन जा। ऐसे गई के माता लक्ष्मी ला श्राप दे देते। एक ठन तो वो ये कथा है और एक ठन और कथा है श्रीदामा, जब द्वापर युग में शिव पुराण के बात अरे श्रीदामा जी जैन ऋषि रथे ओकर द्वारा राधा माता ल श्राप मिलते जेकर वजह से वो वृंदा बन के आते। ता इतिर जैसे श्राप मिली लक्ष्मी जी हा का बन जही गंगा नदी बन जही और झाड़ पेड़ रूख राई बन जाई, से एक श्राप दे देते सरस्वती माता हा। अब ओला धीरज बात पता चलते कौन ला भगवान विष्णु ला कि कैसे कैसे काय काय हो गए काय बात हो गए। अब भगवान विष्णु ऐसे पता नहीं चलिस कि मन में कहा सुनी हो गए अनबन हो गए ए ऐसे ऐसे श्राप दे दिस कही के, तब भगवान वो श्राप ला मुक्त करे बर सुंदर माता लक्ष्मी ला आशीर्वाद दिस कि है लक्ष्मी ते कोई भी अपन कोई भी स्वरूप में प्रकट नहीं होते हुए भी जैसे व्यक्ति हा मरते तान फिर जिंदा होते फिर मरते तान फिर जिंदा होते पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शरणम ऐसे वाला करते मरते फिर जिंदा होते, मतलब कोई योनि तेहा नहीं भोगते हुए भी तेहा संकसुर नाम के राक्षस के यहाँ ओकर भार्या बनबे। और जब संकसुर शंखचूड़ नाम के एक तो राक्षस रही शंखासुर अवेरी शंखचूड़ त शंखचूड़ राक्षस के कुल में ते जाबे और ओकर भार्या बनबे ओकर पत्नी बनबे ओकर से गंधर्व विवाह करबे और भगवान शिव के द्वारा वो शंखचूड़ के वध किए जही और वहां से तोला
मेहा अपन भार्या के रूप में प्राप्त करूँ या ते मोला अपन पति के रूप में प्राप्त करबे। ऐसे के सुंदर भगवान विष्णु ओला वरदान देते अउ होते विष्णु शंख चूड के साथ में एकर विवाह होते माता लक्ष्मी जे तुलसी के रूप में आते अउ ओकर साथ जब विवाह संपन्न होते ता जब शंख चूड के अत्याचार बढ़ जाते तब भगवान शिव के द्वारा ओकर वध किए जाते अउ तेकर बाद में तुलसी ला भगवान विष्णु के द्वारा वरदान दिए जाते कि तोर संपूर्ण शरीर ते गंडकी नदी के रूप में जाने जही और जो तोर केश हरे तेहा तुलसी के रूप में जाने जही जेहा सर्वदा पूजने ही रही हमेशा ओला सब जन मन पूजी ही और ओकर से आशीर्वाद ली अब ओकर से अपन जम्मो मनोकामना ला पूरा करी। अब भगवान विष्णु ये भी किस कि तुलसी वृक्ष के नीचे के जितना भी जो भी हिस्सा रही वो सब हा बहुत ही महत्वपूर्ण रही और बहुत ही निर्मल रही और हमेशा वो पूजनीय रही। और आगे भगवान विष्णु जी माता तुलसी ला आशीर्वाद देते हुए किस कि तुलसी पेड़ के नीचे जतका देवी देवता है सबके वास हो और जतका देवी देवता के एक साथ अगर पूजा करना है ते तुलसी माता के नीचे तुलसी वृक्ष के पूजा कर लो और भगवान जतका भी देवी देवता है सब प्रसन्न हो के आशीर्वाद दी। ऐसे के सुंदर भगवान विष्णु जी तुलसी माता आशीर्वाद दिस और स्वयं शालिग्राम के रूप में वहाँ पे प्रतिस्थापित हो। अब यही हम तुलसी विवाह के नाम से घलो जानथन। एक ठन कथा अव हेवे जेला आप सब झन जानत हो कौन से कथा तहां रानी वृंदा के जेहा बड़ा प्रति व्रता स्त्री रहते। धर्म पुराण में बात आते कि वृंदा नाग कन्या रही थे और नाग कन्या के विवाह जालंधर के साथ होते। वृंदा के विवाह जालंधर के साथ होते और जालंधर बहुत प्रतापी रहे रहते लेकिन राक्षस कुल के रह रहे थे बहुत प्रतापी रह रहे थे लेकिन सब देव देवताओं पर अत्याचारी करने वाला रह रहे थे। एक समय तो ऐसे आते कि भगवान शंकर के विरोध में वो खड़े हो जाते। भगवान शंकर के एक डहन ले देखे भगवान शंकर के प्रति स्वरूप अंश स्वरूप रह रहे थे ऐसे बताए। और एक समय ऐसे आते कि भगवान शंकर के विरोध में खड़े हो जाते आउ बैर उत्पन्न कर लेते। एन केन प्रकारे जब बैर उत्पन्न कर लेते ता भगवान मन अब कैसे करे जाए ये दुष्टाचारी अत्याचारी से सबला बचाना है कैसे किया जाए अब का किया जाए ता मारे के या उला परास्त करे के बड़ उदीम लगाते देवता मन लेकिन कोई उला परास्त नहीं कर सके। काबर क्योंकि जो पत्नी रहते वृंदा ओकर सतीत्व अतका पावरफुल रहते अतका शक्तिशाली रह रहते कि वो अपन सतीत्व के बल में अपन पति की रक्षा करत रह रहा है। अब का किया जाए कैसे किया जाए तब ऐसा में काम नहीं बनी कबर सृष्टि के संचालन करना है और सृष्टि के संचालन में जे जन रोड़ा आही जेन जेन व्यवधान उत्पन्न करी वो मल्ला तो किनारे करे चला पड़ी तब वो देवता मंजूर मिल के अब भगवान विष्णु ला अर्जी विनती करते तब भगवान विष्णु माता वृंदा कर आते और ओकर सतीत्व ला छल के ओकर कबर की जो वृंदा रहते ते बचपन से विष्णु भक्त रहते भारी विष्णु भक्त रहे रहते खाना विष्णु पीना विष्णु सूतना विष्णु उठना विष्णु सब चीज भगवान विष्णु के परम भक्त रहे थे। अब भगवान का करे सृष्टि के संचालन पर कभी कभी भगवान मल्ला अपन ऊपर प्रत्यारोपित आरोप भी ले बर पड़ जाते तब भगवान विष्णु छलते सृष्टि के संचालन पर अब सतीत्व खंडित होते और सतीत्व जब खंडित होते तब कहीं जाके ये जालंधर के मृत्यु भगवान शंकर के हाथ से होते। और जैसे भगवान शंकर जालंधर ला मारते उकर संहार करते
तब वृंदाला पता चल जाते कि मोर तो पति मर नहीं सकत रही से, अबे मर मरिस ते मरिस कैसे, एवा वो मोर सतित्व के बल कैसे निर्बल हो गए। और जब ऐसे ढूंढल लगिस बात ला बात के तह तक जाय लगिस तो पता चलते कि वास्तविकता में ओकर सतित्व ला खंडित करेगी, जेकर वजह से ओकर पति के संहार होइस, ओकर पति के मृत्यु होइस। अवेला जान के जब वृंदा रोयल लगिस तब भगवान विष्णु आ बहुत वृंदा के पास सामने जाके काबर की वो ईश्वर हरे और ओला हमेशा पूजत रही से, और आज वो ओला धोखा दे दिस, तेकर वजह से बहुत लज्जित अवस्था में ओकर खड़े रहे रहते। तब वो लज्जित अवस्था में जब खड़े रहे रहते और जब वृंदा अपन आप ला आत्मदाह करत रहे रहते, तत्क समय भगवान विष्णु आशीर्वाद देते कि हे वृंदा कि मैं हर समय हर तुलसी मतलब ते हमोर अर्धांगिनी के रूप में जाने जाबे, ते मोर पत्नी के रूप में जाने जाबे, और मैं हमेशा तोर पैर के नीचे में रह रहूँ। और ये बात सही है, तुलसी पेड़ के नीचे में हमेशा शालिग्राम रह रहे थे, और वही शालिग्राम और तुलसी के ये कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के 11 के दिन में विवाह संपन्न कराए जाते, जिला मन तुलसी विवाह के नाम से जानथन। तही भावना के साथ आशा है आप सबला ये कथा जानत तो हो, लेकिन फिर भी लोक भाषा के अपन अलग ही मिठास होते हैं, लोक भाषा में बोले के मैं कोशिश करें वेला जो भी मोर बड़े बुजुर्ग मन मोल बताए ओला मैं बोले के कोशिश करें, कोनो प्रकार के त्रुटि गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी रह रहूँ। ई भावना के साथ आप सब बुझला अवैया जेठौनी तिहार के हमार गन्ना तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई, जय जोहार।